नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के अहरोला विकासखंड के कई गांवों में दीपावली पर्व व गांव में डेंगू मलेरिया और संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए रोस्टर के हिसाब से साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है। रोस्टर के अनुसार गांव की साफ सफाई करने के लिए सफाई कर्मियों को लगाया गया है। इसी कड़ी में आज बनरहिया गांव में सफाई की जांच करने के लिए विकास खंड के एडीओ पंचायत संजय कुमार श्रीवास्तव गांव में पहुंचे, जहां स्कूल चक रोड व अन्य जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया। स्कूल का शौचालय गंदगी से भरा पड़ा था। गाँव के सफाई कर्मी की लापरवाही पर एडीओ पंचायत ने जानकारी सफाई कर्मी से ली तो सफाई कर्मी आपे से बाहर हो गया और एडीओ पंचायत से भिड़ गया और वह एडीओ पंचायत को चेतावनी देने लगा। उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड करा दोगे। साथ ही सफाईकर्मी ने कहा कि खाने बगैर हम मरेंगे नहीं। सफाईकर्मी का ये तेवर देखकर एडीओ पंचायत भी सकते में आ गए। काफ़ी बहस एडीओ पंचायत और सफाईकर्मी के बीच हुई। पूरे वाकये का कई वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में सफाईकर्मी से एडीओ पंचायत साफ सफाई ना होने का कारण पूछते हैं, जिस पर सफाईकर्मी बिफर जाता है। मैं आज ग्राम पंचायत बनरहिया में सफाई अभियान के तहत रोस्टर लगा हुआ था, जिसमें 8 सफाईकर्मी, मोहित जो वहाँ कार्य सफाईकर्मी हैं उनके साथ वो काम करा रहे थे। मैं पंचायत भवन प्राइमरी स्कूल की सत्यापन जांच किया तो वहाँ पे ये कमरा पूरा भरा हुआ था। तो वहाँ पे उनसे पूछने पे तो उन्होंने कहा कि ये ताला यहाँ बंद रहता है और ताला नहीं खोला जाता है, इसलिए साफ नहीं है। उसने कहा गया कि ताला खोल करके आपको सफाई करनी चाहिए थी। उसके बाद मैंने पूछा कि सफाई कर्मी कहाँ पे हैं, जो अन्य सफाई कर्मी हैं, तो उन्होंने बताया कि बनरहिया गांव में साफ सफाई कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के अगर बगल में सफाई नहीं ना होने के विषय में पूछा गया तो उनके द्वारा जो है कोई सही जवाब न दे करके बार बार कहा जाता रहा कि हम साफ खूब करते हैं, हमसे खूब काम करा लीजिए, हम एक दिन में पूरा साफ कर देंगे। मेरे द्वारा कहा गया जो मौके दिखाई दे रहा है हम उस पर पूछ रहे हैं कि इसको क्यों नहीं किया गया अभी तक। आप रोज़ कहते हो हम आ रहे हैं और आकर क्या करते हो आप। उन्होंने कहा साहब गाँव वालों से पूछ लीजिए। मैं जहाँ पर सफाई कर्मी काम कर रहे थे मैं वहाँ गया तो इनके द्वारा केवल पटरी की जो अन्य सफाई कर्मी थे केवल जो है पटरी की जो है सड़क की किनारे किनारे साफ कर रहे थे। उन पे मैंने डांट लगाई कि थोड़ा सा ढंग से साफ करो और जहाँ साफ है उसी को साफ कर रहे हो, जहाँ अधिक गंदगी है वहाँ जाके साफ करो। तो इनके द्वारा जो है ये कहा गया कि जो है आप ये तुरंत आभिष मैंने अपने आप में क्रोधित हो करके कहा कहने लगे कि जो है आप मुझे बेइज्जत कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं गांव के बीच में और हम अगर बहुत करेंगे आप तो सस्पेंड करा देंगे और आपसे ऊपर भी कोई अधिकारी है और हम खाने बिना नहीं मरेंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। इसमें मैंने उनको और फटकार लगाई, काम करने के लिए कहा गया। उसके बाद लोगों ने काम किया लेकिन उनकी लापरवाही गांव के निरीक्षण के बाद ये लगता है कि उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। कुछ लोगों को के उसमें ये गांव वालों के बीच में अपने पक्ष में रख करके उनसे करवाया जाता है कि हाँ इनके द्वारा रोज आते हैं ये काम करते हैं। लेकिन जब मैंने उसी गाँव वालों से मैंने पूछा